हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। इस भाषा पर सारी दुनिया वारी 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 है। हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। इस भाषा पर सारी दुनिया वारी 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 है। चारों वेदों के पन्नों में जो गूंजे अविराम, राम कृष्ण की वाणी है ये और गीता का ज्ञान। चारों वेदों के पन्नों में जो गूंजे अविराम, राम कृष्ण की वाणी है ये और गीता का ज्ञान। इसकी शब्दार्थों की शोभा न्यारी 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 है। हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। इस भाषा पर सारी दुनिया वारी 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 है। हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। इस भाषा पर सारी दुनिया वारी 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 है। ऋषियों की वाणी ये भाषा, कवियों का सम्मान, प्रेम भाव का पाठ पढ़ाता हर पुस्तक का ज्ञान। ऋषियों की वाणी ये भाषा, कवियों का सम्मान, प्रेम भाव का पाठ पढ़ाता हर पुस्तक का ज्ञान। इसकी खुशबू से महकी ये क्यारी 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 है। हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। इस भाषा पर सारी दुनिया वारी 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 है। हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदी भाषा हमको प्यारी है। हम इस भाषा पर सारी दुनिया वारी 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 है। नमस्कार, मैं हिंदी हूँ। मैं विश्व पटल पर मान्य बनी, मैं जगत गुरु अभिज्ञान बनी। मैं भारत माँ की प्राणवायु, मैं आर्यवर्त अभिधान बनी। मैं हिंदी हूँ, मैं आन बान और शान बनूं, मैं राष्ट्र का गौरव मान बनूं। ये दो तुम मुझको वचन आज, मैं तुम सबकी पहचान बनूं। मैं हिंदी हूँ, आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। आइए हिंदी दिवस के इस कार्यक्रम की शुरुआत एक मजेदार कहानी से करते हैं। शुभ प्रभात, मैं अभियान बैनर्जी दूसरी कक्षा का छात्र हूँ। आज मैं आपको अपनी आत्मकथा अर्थात मेरी आत्मकथा सुनाना चाहता हूँ। जब मैं छोटा बच्चा था, सब किराज झुला रहा था। मम्मी बहुत प्यार से चॉकलेट देती थी, सारे मैं एक साथ खा जाता था। मेरे दादू ने विरोध करना शुरू किया, पर मैं क्या करूं, मैं तो छोटा बच्चा था। मम्मी के डांट से डरकर दूर चल कर भाग रखा था। दादी चाचा चाची के पीछे मैं तो छुप जाता था। पापा के साथ बाजार जाता, खिलौने न मिलने पर मुंह फुला कर बैठ जाता था। रो रो कर सारा घर सर पे उठा लेता था। हाथ में पेन आ जाता तो आर्टिस्ट मैं बन जाता था। किताबों में नहीं बल्कि दीवारों में और हाथ पैर को अपना कैनवस बना लेता था। दीदी के संग मैं प्यार से खेलूं, खेल खेल में चोटी कर रस्सी से बांधा करता था। झूठ बोलकर अपनी गलती छुपा कर दीदी का डांट खेलता था। मैं इतनी सी जान अकेला ही खिलौने बिखेरा करता था। अब बोलो मैं कैसे डांट खाऊं, मैं तो बेचारा भूखा था। मौका मिलते ही गेट में चढ़कर खोलने की कोशिश करता था। घर के कुत्ते बिल्लियों को अपना दोस्त समझता था। चींटियों के समुदाय उसे रहने जाता था, उन्हें अपने इन्हीं नन्हे नन्हे हाथों में उठाया करता था।
करके ऑटो लेते थे मुझको, इसमें बोलो मेरा क्या कसूर, बोलो मैं छोटा बच्चा था। धन्यवाद। क्या आपको घूमना फिरना पसंद है? भारत तो विविधताओं का देश है। यहाँ हर राज्य में कुछ पौराणिक और ऐतिहासिक वाले स्थल है। आइए देखते हैं हमारी टूरिस्ट गाइड हमें किन राज्यों की सैर पर ले जा रही है। आइए चलते हैं। पापा कहते डॉक्टर बनना, मम्मी कहती इंजीनियर बनना, डॉक्टर इंजीनियर, डॉक्टर इंजीनियर। ओहो, पर मुझे तो दुनिया घूमनी है। मुझे लाल पत्थरों से निर्मित लाल किला और सफेद संगमरमर से बना ताजमहल देखना और दिखाना है। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बनना चाहती हूँ। जी हाँ, सही समझा आपने। मैं हूँ आपकी नन्ही टूरिस्ट गाइड। आइए आपको मैं अपने टूरिस्ट गाइड बनने का कारण बताती हूँ। इसके द्वारा मैं बांग्लादेश की कला और संस्कृति तथा अपने पूर्वजों के द्वारा समझे धरोहर को मैं स्वयं भी जानना चाहती हूँ तथा आप सभी को बताना और देश विदेश में भी फैलाना चाहती हूँ। तो आइए आज मैं आपको सागर के किनारे बसे मेरा अपना उड़ीसा राज्य घुमाने ले चलती हूँ, जहाँ दीपों की जगमगाहट और अगरबत्तियों की खुशबू फैल जाती है, जहाँ स्वयं भगवान जगन्नाथ जी अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। अब पांच क्षेत्र पूरी स्थान हिंदुओं के चार धाम में से एक धाम है। यह मंदिर दुनिया का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। इस मंदिर की बहुत सी विशेषताएं हैं, जैसे मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में ये रहता है। ऐसी कई सारे बातें हैं जो मैं आगे कुंडल बताऊंगी, तो कैसा लगा अब तक का सार? जी हाँ, क्या दिखेगा इस वर्ष में टूरिस्ट गाइड को? धन्यवाद। मैं हिंदी हूँ, मैं ही दस्खन किसकी खान, मैं ही कबीरा की बानी हूँ, मैं ही महादेव की विरह प्यास, मैं ही सुभद्रा की गीतों की मिठास, मैं हिंदी हूँ। तो आइए हम सुभद्रा कुमारी जी की एक कविता सुनते हैं। यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम दो पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम्ब की डाली। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। सुन मेरी बंसी माँ तुम कितना खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। तुमको आती देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता, एक बार माँ कह पत्तों में धीरे से छुप जाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब नहीं उतर कर आता, माँ तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। तुम घबरा कर आँख खोलती पर माँ खुश हो जाती, जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता ये मुना तीरे, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता ये मुना तीरे। धन्यवाद। पर्वत से सीखो गर्व से शीश उठाना, सागर से सीखो जी भर कर लहराना, प्रकृति नहीं सिखाती किसी को ठुकराना, इसे बस आता है सबको अपनाना। प्रकृति
सभी जीव जंतुओं का घर है, पर क्या हम मनुष्य सभी पशु पक्षियों को समान अधिकार दे रहे हैं? आइए सुनते पक्षी की कहानी उसी की जुबानी। आप सभी को मेरा नमस्कार। क्या आपने मुझे पहचाना? जी हाँ, मैं हूँ उल्लू। आज मैं आप सभी को अपने बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताने जा रहा हूँ। आप सब जानते हैं मैं एक प्रकार का पक्षी हूँ, रात में जागता हूँ। क्या आपको पता है मैं महाराष्ट्र का राज्य पक्षी कहलाता हूँ। मेरे करीबन 200 प्रकार है। मैं अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक घुमा सकता हूँ। दुनिया का सबसे छोटा उल्लू 5 इंच लंबा है, तो सबसे बड़ा उल्लू 32 इंच लंबा है, जिसके पंख 5 फीट लंबे है। भारत में हमारा शिकार करना गैर कानूनी है। आपको पता है मैं ही एकमात्र पक्षी हूँ जो नीले रंग को देख सकता हूँ। प्राकृतिक आपदाओं के बारे में मैं अपने आवाजों द्वारा मनुष्य जन को आगाह करता हूँ। भारत में हमारी बहुत कम आबादी है, जो हमें विलुप्त प्राय की श्रेणी में ली आई है। अगर हमारा शिकार किया जाए तो हम मर जाएंगे। हम कैद नहीं रह सकते, हमें आजाद रहना ही पसंद है। आपसे प्रार्थना है, मत काटो इन पेड़ों को, यही हमारा घर है। मत मिटाओ हमारा नामो निशान, इस धरती से इस पर भी हमारा हक है। धन्यवाद। अभी आपने उल्लू के स्वभाव को जाना। वैसे ही हर जीव का अपना स्वभाव होता है, जिसे वह छोड़ नहीं सकता। चलिए ऐसी ही एक कहानी सुनते हैं मयंक की जुबानी। आज मैं एक शल और बिच्छू की कहानी मेरी जुबानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। एक समय की बात है, एक शल नदी किनारे ठहर कर नदी में देख रहे थे। तभी उनकी नजर नदी में डूबते हुए एक बिच्छू पर पड़ी। बिच्छू को नदी में डूबते हुए देखकर शंख को दया आ गई और उन्होंने उसे बचाने का निर्णय लिया। जैसे ही शंख ने अपना हाथ बिच्छू को बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ाया, बिच्छू ने उनकी हथेली पर जोर से काट दिया। शंख डर से तड़पने लगे और बिच्छू को वापस नदी में डाल दिया। जब संत ने देखा कि बिच्छू फिर से नदी में डूब रहा है, उन्होंने पुनः उसकी मदद की, मगर बिच्छू ने उनकी हथेली पर डंक मारा। यह सब दृश्य वहां पर खड़ा एक बालक देख रहा था। उस बालक ने संत से कहा, आप उस बिच्छू की जान बचा रहे हैं, पर वह आपको डंक मार रहा है। इससे अच्छा तो है कि आप उसे उसके हाल पर ही छोड़ दें। बालक की बात तो सही है, क्या अब शायद बिच्छू को नहीं बचाएंगे? क्या बिच्छू नदी में डूबकर मर जाएगा? आइए आगे क्या हुआ मैं आपको सुनाता हूँ। बालक की बात सुनकर संत ने कहा, बिच्छू का स्वभाव डंक मारना है और मेरा स्वभाव दया करना। अगर बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो मैं कैसे छोड़ दूं? आपको क्या लगता है संत ने बिच्छू की जान कैसे बचाई? संत कई देर तक सोच में डूबे हुए, फिर उन्होंने बिच्छू को बचाने के लिए अचानक एक उपाय निकाला। वह एक पेड़ का एक पत्ता लेकर आए और उसे नदी में छोड़ दिया। बिच्छू तुरंत उस पत्ते पर चढ़ गया, नदी से बाहर आ गया। इस तरह से संत ने बिच्छू की जान बचाई। शिक्षा, दूसरों के कारण अपने स्वभाव में परिवर्तन मत लाइए। यदि कोई आपको हानि पहुंचाता है तो उससे सावधान रहें। हमेशा अपनी मदद का हाथ आगे बढ़ाएं। दया और मदद ही सबसे बड़ा धर्म है। धन्यवाद। बहुत सुंदर। देखा आपने, किसी का स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसके संस्कारों से जुड़ा होता है। ऐसी ही एक घटना इतिहास की साक्षी है, जो हमारे सामने एक अनोखे चरित्र को प्रस्तुत करती है। तो चलिए मिलते हैं शकुनी के रूप में विहान से।
मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले वनभूमि में खेला जाता है। जी हाँ, मेरा नाम विहान चपाला है और मैं कक्षा 4 का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने महाभारत के प्रमुख पात्र शकुनी की अंतर्वेदना सुनाने आया हूँ। आ गया हूँ एक पात्र लेकर महाभारत की उस गाथा का, आ गया हूँ एक पात्र लेकर महाभारत की उस गाथा का। कल नायक कहते हैं सर, दुर्योधन का मैं मामा था, कितना जानते मेरे बारे में, आज पता चल जाएगा, बुद्धि के दूर उतर जाएंगे, पात्र समझ जब आएगा। सोचा ना था मैंने कभी चरित्र मेरा इतना गलत दिखाएंगे, सोचा ना था मैंने कभी चरित्र मेरा इतना गलत दिखाएंगे, महाभारत का कारण बना देंगे मुझे और धारावाहिक अपने चलाएंगे। गांधारी के विवाह से ना मुझे कभी समस्या थी हस्तिनापुर को बर्बाद करने की, ना मैंने लेकर भी प्रतिज्ञा थी, ना वस्त्र काला पहनता था मैं, ना लंगड़ा के में चलता था, ना वस्त्र काला पहनता था मैं, ना लंगड़ा के में चलता था, दांत काले ना थे मेरे, यह कलयुग वादियों की कल्पना थी, धृतराष्ट्र के द्वारा कभी ना दिया गया हमें दंड था। किसने बोला तुमसे यह सबके हस्तिनापुर का विध्वंसन में था? हाँ, द्यूत सभा का आयोजन करवाया क्योंकि द्यूत का उत्तम खिलाड़ी था। हाँ, द्यूत सभा का आयोजन करवाया क्योंकि द्यूत का उत्तम खिलाड़ी था, लेकिन द्रौपदी को निर्वस्त्र करवाना ये ना मेरे मस्तिष्क में था। हाँ, लाक्षाग्रह में लगी थी आग, उसमें मैं सहयोगी था, दुर्योधन से प्रेम के खातिर पांडवों से मुझे भी द्वेष था। मैं नहीं ये कहता हूँ अधर्म नहीं किया था मैंने, लेकिन जितना गलत दिखाते उतना भी तो नहीं था मैं, हस्तिनापुर को बर्बाद किया था कर्ण दुर्योधन की मंशा ने, हस्तिनापुर को बर्बाद किया था कर्ण दुर्योधन की मंशा ने, एक को चाहिए सताती तो दूसरा प्रतिशोध का भूखा था। खैर जो भी हो, नायक तो ना मैं कहलाऊंगा, पर याद रखना कल नायक भी तो मैं नहीं था दोस्तों, मैं शकुनी था, मुझे शकुनी ही रहने दो। मनुष्य का स्वभाव उसके व्यक्तित्व की पहचान होती है, कबीर की साखिया हो या रहीम के दोहे, ये दोनों ही हमें जीवन जीने का सही तरीका बताते हैं। आइए रहीम के दोहों का आनंद उठाएं। नमस्ते, मैं पुलकित कुमार आज महान कवि रहीम के कुछ दोहे सुनाने जा रहा हूँ। प्रस्तुत दोहे में रहीम जी कहते हैं कि अच्छे स्वभाव के लोगों को बुरी संगत भी नहीं बिगाड़ पाती। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, चंदन विश्व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। अगले दोहे में रहीम जी कहते हैं कि सज्जन पुरुष परोपकार के लिए देह धारण करते हैं, वृक्ष कबू नहीं फल भके नदी न संचे नीर, वृक्ष कबू नहीं फल भके नदी न संचे नीर, परमार्थ के कारने साधन धरा शरीर, परमार्थ के कारने साधन धरा शरीर। अब इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि विपदा के समय में ही हमें पता चलता है कौन हमारा हितेशी है और कौन नहीं। रहीमन विपदा हु भली जो थोरे दिन होए, रहीमन विपदा हु भली जो थोरे दिन होए, हित अनहितिया जगत में जान परत सब कोए, हित अनहितिया जगत में जान परत सब कोए। अगले दोहे में रहीम जी हमें राय देते हैं कि हमें हमारे मन के दुख को मन में ही रखना चाहिए। रहीमन निज मन की विथा मन ही राखो गोए, रहीमन निज मन की विथा मन ही राखो गोए, सुनी अठिलह लोग सब बाटी ना लय है कोए,
सुनी अठिल है लोग सब बाटी ना लय है कोई। अगले दोहे में रहीम जी कहते हैं कि किसी भी छोटी चीज को कम नहीं समझना चाहिए। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तरवारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तरवारी। अंतिम दोहे में रहीम जी कहते हैं कि अगर कोई बात बिगड़ जाए तो लाख करने के बाद भी उसे सुधारा नहीं जा सकता। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोए, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोए, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। धन्यवाद। अति उत्तम। इन दोहों को सुनकर बिहारी जी की गागर में सागर वाली बात याद आ गई। ये दोहे हमें जीवन की सार्थकता से अवगत कराते हैं। वही जीवन से निरस्ता को दूर करने के लिए किसी ने कहा है, नृत्य जीवन की कला है, नृत्य अनुराग है मन का। जी हाँ, हमारी संस्कृति भी नृत्य के उन्माद से परिपूर्ण है। इस कार्यक्रम की शोभा नृत्य के बिना अधूरी है। तो चलते हैं थिरकते कदमों की ओर अनन्या के साथ। आज आप सभी के सामने राजस्थानी घूमर फोक डांस क्लासिकल तर्जा के साथ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। टीचर का ब्लैक बोर्ड कभी ज्ञान का खजाना हुआ।
जाते हैं, मोबाइल पर ही गुरुजी कहते हैं वहीं से तुम पढ़ाई करो शुरू जी। घर पर बनकर दिया करो ना, तो ऑनलाइन बन गया जमाना। किसने सोचा था कि ऐसा भी दिन आएगा कि घर पर बैठे बैठे स्कूल का जलवा दिखाएगा। प्रौद्योगिकता के विकास का जय हो, जिसने हमें ऑनलाइन कक्षाओं से मिलाया। इस विषय पर करते चर्चा, मैं अश्विता सुनाने जा रही हूँ एक हास्य कविता। जूम रूम ने बड़ा आजमाया, जूम रूम ने बड़ा आजमाया, ऑनलाइन कक्षाओं से हमें मिलाया। कल तक जो था आराम का डेरा, कक्षा क्या कसवांग रचाया। पहले तो थे सब टीचर, अब तो माँ बाप भी क्लास के भीतर। आज का ना अब कोई भी भाया, ऑनलाइन क्लास ने बहुत पकाया। बच्चे भी तो तेज बड़े, रखते अपने कान खड़े। जब ना सूझे कोई सवाल का सलूशन, कहते मैन पुअर कनेक्शन। सुनकर टीचर का सर चकराए, लेकिन कहने का कुछ नहीं उपाय। टीचर भी समझते उनके बहाने, क्योंकि बच्चे तो हैं उनके स्टूडेंट्स पुराने। अब तो टीचर के डांट से बच्चे होते हैं प्रसन्न, अब तो टीचर के डांट से बच्चे होते हैं प्रसन्न। क्योंकि टीचर को चुप कराने का उनके पास है बटन। म्यूट एंड म्यूट का खेल निराला, मैडम को है मुश्किल में डाला। हरदम होता गड़बड़ जाला, किस्सा पद से पड़ा है पाला। होमवर्क होता है अपलोड, क्लासवर्क होता है डाउनलोड। अब पौराण के इस चक्कर ने जाने हमें कितना उलझाया। पहले तो थे हंसी ठहाके, साथ बैठे मस्ती और बातें। अब तो सिमटा संसार हमारा, लैपटॉप बस एक सहारा। जाने कहां गए वो दिन, लेकिन वक्त के आगे जोर ना कोई, वक्त के आगे जोर ना कोई। अब तो ऑनलाइन क्लास है आज की सच्चाई। धन्यवाद। भारतवर्ष सदा से ही वीरों और वीरांगनाओं की भूमि रही है। भारत माँ के वीर सपूतों ने इतिहास में स्वर्णिम अध्याय रचा है। आइए एक ऐसी ही ऐतिहासिक घटना की झलक देखें। आज मैं ऐतिहासिक कलिंग युद्ध का दृश्य प्रस्तुत करने जा रही हूँ, यहाँ मगध सम्राट अशोक और कलिंग की राजकुमारी पद्मा अपनी अपनी सेनाओं के साथ खड़े हैं। मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, फिर भी हम इस कलिंग को नहीं जीत पा रहे हैं। कलिंग के राजा मारे गए, फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है। आओ आज हम प्रण करें, या तो हम कलिंग पर अपना अधिकार जमा लेंगे, या सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। मगध की जय, सम्राट अशोक की जय। बहनों, तुम वीर कन्या और वीर पत्नी हो, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। जिस सेना ने तुम्हारे पिता भाई पुत्र की हत्या की है, वह तुम्हारे सामने खड़ी है। तुम प्रण करो कि अपनी मातृभूमि को पराधीन होते देखने से पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगी। यह कौन है? क्या साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में उतर आई है? ना ना, मैं स्त्रीवध नहीं करूंगा। तुम कौन हो देवी? मैं कलिंग महाराज की कन्या हूँ। मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूँ। जब तक मैं हूँ, मेरी ये वीरांगनाएं हैं। कलिंग के भीतर कोई पैर भी नहीं रख सकता। कहाँ है अशोक? कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा? मैं उसे ध्वज युद्ध करने आई हूँ। अशोक तो मैं ही हूँ राजकुमारी, परंतु तुम स्त्री हो, तुम्हारी सेना भी स्त्रियों की है। मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा, हमारे शास्त्र की आज्ञा है।
और शास्त्र यह आज्ञा है कि तुम निरपराधियों की हत्या करो और शास्त्र की यह आज्ञा है कि तुम अपनी विजय लालसा पूरी करने के लिए लाखों माताओं की गोद सूनी कर दो, लाखों स्त्रियों की मांग का सिंदूर पोंछ दो। फूंक दो उस शास्त्र को जो तुम्हें यह सिखाता है। मैं तुमसे शास्त्र सीखने नहीं शस्त्रों से युद्ध करने आई हूँ। करेंगी स्त्रियां तुमसे कुछ नहीं चाहती, केवल युद्ध चाहती है युद्ध। क्यों सिर क्यों झुका लिया महाराज? आज आपके भीषण युद्ध की पूर्ण आहुति होगी। बहुत हुआ राजकुमारी, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, कभी युद्ध नहीं करूंगा। हिंदी भाषा तो हम सब पढ़ते लिखते और बोलते ही हैं। तो आइए मैं सुनाती हूँ आप सभी को हिंदी भाषा से संबंधित कुछ मजेदार तथ्य। हिंदी विश्व भर में बोले जाने वाली भाषाओं में से एक है। इसकी लिपि वैज्ञानिक लिपि है। इसमें कोई साइलेंट लेटर्स नहीं होते, जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है। नमस्ते, यह शब्द हिंदी भाषा में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। तो आइए इन्हीं बातों के साथ पेश है अगला कार्यक्रम। गुड मॉर्निंग हैदराबाद, सुबह नगरी पहुंची है मुझसे। मैं आपका दोस्त और होस्ट आरजे दबन। आप सबकी सुबह को तरोताजा करने, सबके दिलों को हर्ष उल्लास से भरने के लिए लेकर आया हूँ एक पैगाम आप सबके नाम। इस भागते दौड़ते जिंदगी की रफ्तार इतनी बढ़ गई है कि यहाँ कोई चलता नहीं, दौड़ता है, कोई बोलता नहीं, बकता है, अकेले भी बड़बड़ाते रहते हैं। आज का मेरा पैगाम उन सब के लिए जो दौड़े जा रहे हैं। शहर की इस दौड़ में दौड़ कर करना क्या है? अगर यही जीना है दोस्तों तो फिर बनना क्या है? पहली बारिश में ट्रेन लेट हो जाने की फिक्र भूल गए, बारिश में टहलना क्या है? सीनियर क्रिकेटरों का सारा हाल है मालूम, लेकिन अपनी माँ का हाल पूछने की फुर्सत कहाँ है? 108 अचानक बदल मिलता क्यों नहीं? इंटरनेट की दुनिया से तो टच में है, पर पड़ोस में कौन रहता है जानते तक नहीं। इस बात पर मुझे एक वाक्या याद आ रहा है जिसका अफसोस मुझे आज भी है। मेरे फ्लोर के नीचे वाले फ्लोर में एक बुजुर्ग आंटी रहा करती थी। जब भी मैं नीचे उतरता उन्हें खिड़की से बाहर जानते हुए पाता, ऐसा लगता मानो उनकी सोनी आंखें कुछ कहना चाहती हो। कभी कभी लगता रुक कर उनसे बातें करूं, पर हमेशा ट्रेन लेट हो जाने या बस पकड़ने के चक्कर में कल पूछूंगा सोच कर निकल जाता। अब तो मुझे उनकी आदत सी होने लग गई थी। एक दिन मैंने उन्हें वहां नहीं देखा तो दिल में हलचल से होने लग गई। लोगों से पूछा तो पता चला वह कल रात ही चल बसे। काश काश मैंने अपने मन की बात उनसे पूछ पाता। तो दोस्तों इस भागती दौड़ती जिंदगी से एक थोड़ा सा ब्रेक लो और अपने दिल की सुनो। शहर की इस दौड़ में दौड़ करना क्या है? अगर यही जीना है तो फिर मरना क्या है? इस बात पर गायक मुकेश जी का ये गाना आप सभी के लिए। किसी की मस्ती